अच्छा बना है, इसका कोटिंग देखिए आप, पूरा अच्छे से कोट हुआ है मूंगफली में, तो बहुत ही करारा है। अगर इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितना करारा है ये। मैं हूँ अनु, और अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम आ गया है, और ऐसे में बहुत सारे चिप्स हों, पापड़ हों, नमकीन हो, भुजिया हो, और बहुत सारी चीज़ें हों, मिठाइयाँ हों, तो मज़ा ही आ जाता है त्यौहार बनाने में। तो आज हम नमकीन बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको मूंगफली से बनाएंगे। तो ये मूंगफली क्रैकर भी बोल सकते हैं इसको, या आप मसाला पीनट भी बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप बाजार से कई बार ला के इसको खाया होगा आपने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके आज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी पहुँचे और आपको पहले पता चल जाए कि हमारा कौन सा वीडियो आ रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या लगता है। मसाला पीनट बनाने के लिए हमको पीनट चाहिए, तो ये कच्चे वाले पीनट हैं, इसको हमने 200 ग्राम है एक बड़े बाउल में हमने ले लिया इस तरह से। कश्मीरी लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच ले लिया हमने, और ये लहसुन का जो हमने पाउडर बनाया था अभी रेसिपी में मैंने डाला हुआ है, ये थोड़ा एक चम्मच हमने ले लिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप भी जरूर डालेगा अगर है तो, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आमचूर पाउडर लिया एक चम्मच, और हल्दी पाउडर लिया हमने एक चम्मच, और काला नमक लिया है हाफ टी स्पून, और ये चाट मसाला है 1 टी स्पून, और ये तीखी वाली मिर्च है ये भी 1 टी स्पून हमने ले लिया है। थोड़ा सा हमने हींग लिया है 2 चुटकी, और ये सादा वाला नमक खाने वाला। और इधर हम जो इसका जो कवर बनाएंगे, कोटिंग करेंगे जिससे, उसके लिए हमको बेसन चाहिए, तो हमने 4 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है, 2 बड़े चम्मच हमने ये चावल का आटा ले लिया है, और 2 चम्मच हमने ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो इसमें हम पहले मसाले डालेंगे, तो हल्दी पाउडर डाल देते हैं, तो आधा भी डाल देते हैं, आधा कोटिंग में डालेंगे जो इसका बेसन वाले में डालेंगे, जो बेसन वाला कोटिंग करेंगे उसमें डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा इस तरह से मिर्च भी डाल देंगे। तो ये तो सिर्फ कलर करने के लिए होता है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा। लहसुन पाउडर है ये भी डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। काला नमक तो हाफ टी स्पून डाल दे रहे हैं, नमक वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा। हींग डाल दे रहे हैं, अमचूर पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा डालेंगे तो भी हाफ टी स्पून डाल दे रहा है, और थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि अभी हमको इसके बेसन में भी डालना है, चाट मसाला भी डालेंगे, तो सब थोड़ा थोड़ा ही डालना है, तो जिससे हमारा ये मूंगफली जो है अच्छे से नमकीन हो जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तो 2 चम्मच डाल के पहले इसको अच्छे से मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है, जिससे हमारा ये नमकीन हो जाए मूंगफली। बहुत टेस्टी बनता है, तो घर पे बनाना इजी है, एक बार घर पे बनाइएगा। बाहर का पता नहीं चलता किस ऑयल में इसको फ्राई किया गया है, क्या डाला जा रहा है, तो अभी से इतना अच्छा महक आ रहा है। थोड़ा सा और पानी डालते हैं, तो पानी डालने का मतलब यही है कि थोड़ा सा ये इसके अंदर मसाले चले जाएं और अच्छे से ये कोट हो जाए थोड़ा सा। और इसको हम थोड़ा रख देते हैं इधर एक साइड में, और हम अपने बेसन को तैयार कर लेते हैं जो इसका कोटिंग होगा। तो इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, बना लेते हैं। तो 4 चम्मच है, बाकी ये सब 2-2 चम्मच है, ये हम पूरा डालेंगे, इसे बहुत क्रिस्प हो जाएगा, ये कॉर्नफ्लोर है इसे बहुत क्रिस्प होगा, और चावल का आटा भी बहुत क्रिस्प करेगा इसको। ये भी पूरा डालिएगा, इसको थोड़ा अभी सारे मसाले भी डाल देते हैं। मिर्च है ये तीखी वाली, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसमें भी चाट मसाला डाल देते हैं, तो बहुत चटपटा लगेगा ये। थोड़ा सा काला नमक, तो नमक वगैरह बहुत ही ध्यान से डालना है, बहुत ज़्यादा ना होने पाए, सब चीज़ नमक है। आमचूर पाउडर भी थोड़ा डाल देते हैं, नमक भी हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है इसको, डालेंगे पहले 2 चम्मच डाल लें, इसको मिलाते हैं इस तरह, अच्छी कोटिंग होगी तभी करारा बनेगा ये। और इसको डालने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा छींटा मारना है, पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा छींटा डालना है, और फिर मिलाना है इसको। अब गीला तो बिल्कुल नहीं रखना है ज़्यादा, जितना ये सूखेगा उतना अच्छा इसकी कोटिंग होगी। 2 चम्मच डालते हैं,
छीटा मारेंगे। हमको ये जो बेसन है ये एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के रुकेंगे और ऊपर से नीचे इस तरह मिलाएंगे इसको, जैसे अच्छे से कोटिंग हो इसमें। सूखा होना चाहिए, अब गीला होगा तो ये सही से नहीं होगा। तो सारा का हमने इसमें डाल दिया है, उसको अच्छे से हाथ से भी मिलाया मैंने और ऐसे भी कर लेंगे। तो जो चिपके हुए हैं थोड़ा अलग कर देंगे और बाकी तो सब अलग अलग हैं। जो थोड़ा एक साथ दो हो गए हैं उसको अलग अलग कर देंगे। अब तो हम फ्राई करेंगे, तो पहले इसको निकाल लें। अलग हो गया है बिल्कुल, ऐसे होना चाहिए। जितना ये सूखा रहेगा उतना अच्छा ये फ्राई होगा। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो एक हम इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं तेल कितना गर्म है। तेल हमने डाल दिया है, ठीक है तेल। और इसको हम डाल देते हैं। अब ये तेज़ आँच में तो ये अंदर से इसका जो मूंगफली है वो कच्चा ही रह जाएगा, तो अभी हमने स्लो कर दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म है, इसको अभी हम बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे। अभी मीडियम कर देते हैं इसको, जैसे कि अच्छे से ये अंदर तक पक जाए। बहुत हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी ना करिएगा इसको, बहुत ही कुरकुरा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। घर का तो बहुत ही टेस्टी होगा, और आपने देखा चाट मसाला वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा बन जाता है ये। और हमने देखी अच्छे से ये कोटिंग इसकी, देखी कितनी अच्छी है। और इसको हम धीमा ही कर दिया हमने फ्लेम इसको, तो बिल्कुल धीमे में अब इसको अच्छे से करारा होने तक इसको पकाएंगे। हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। और देखिए मूंगफली भी चटकती है, तो ज़रा फेस थोड़ा दूर रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये जल जाए पूरा मुँह। तो इसको निकाल लेते हैं, एकदम फ्लेम धीमा रखा हमने। अब बाकी का भी हम ऐसे फ्राई कर लेते हैं। कितना करारा है, तो करारा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्लो आंच पे इसको करेंगे तभी करारा होगा। अब बाकी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है। आवाज़ से देखिए कितना अच्छा। और ऐसे बाकी भी हम कर लेते हैं। बहुत इजी है, लेकिन लोग बनाते नहीं हैं, सोचते हैं कि अच्छा नहीं बनेगा। तो जैसे हमने बताया उसी तरह बनाइए। और जो भी टिप्स हमने दिया है कि जब आप इसका कोटिंग का तैयार कर रहे हैं तो उसमें छीटा डालिए, पानी एक साथ ऐसे नहीं डालिएगा कि गीला हो जाए। एकदम सूखा रहेगा तभी बहुत अच्छा होगा। जितना इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है उतना ही डालिएगा, है ना। तो उसके बिल्कुल जितना हमने बेसन लिया था और कॉर्नफ्लोर लिया था और बाकी चीज़ें लिया था वो सारा हमने डाला है, और तब इतना अच्छा इसमें देखिए कोटिंग तैयार हुई है और बहुत ही करारा, बहुत ही टेस्टी बना है। और आप इसे जानेंगे कैसे कि ये तैयार है मूँगफली जब फ्राई करते हैं, तो उस पर ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब मूँगफली क्रैक होने लगती है, आवाज़ आएगी उसमें, कि मूँगफली में आवाज़ आने लगती है जब फ्राई होता है। तो जहाँ आवाज़ आने लगे आपको पता चल जाएगा कि मूँगफली हमारी अच्छे से भून चुकी है। बस ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो आप इसको जला डालेंगे पूरा। तो इस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने इस तरह से मसाला मूँगफली तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो आप इसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी तक आप बाहर से लाते थे और जिस तरह से हमने इसको बनाना सिखाया आपको, आप उसी तरह बनाइए तो बहुत अच्छा बनेगा। तो बनाइए, बना के खाइए। खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी ही पहुँचे। और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।